हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं रियलमी X3 का अनबॉक्सिंग। तो हम सबसे पहले इसको हमने अपने आसपास नियर बाई रियलमी स्टोर से खरीदा था, जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा कम से कम 26,000, और इसका वेरिएंट आता है 24,000 का। तो हमने सबसे पहले उसको वहाँ एक बार चेक रीचेक किया कहीं की कोई प्रॉब्लम ना हो। बोल रहे हैं मेरी फोटो ले रही है ना भाई साथ में है। और दिखा दे रिकॉर्ड मतलब बहुत रीचेक करने के बाद फिर हम घर दोबारा इसको अनबॉक्सिंग किया हमने। तो इसमें आपको जब आप इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक नोटबुक जिसमें लिखा रहेगा वेलकम टू रियलमी फैमिली। फिर इसके बॉक्स में आपको रियलमी X3 का सेट मिल जाएगा, जिसका हमने कलर वेरिएंट लिया है ग्लेशियल ब्लू, और इसका वेरिएशन है 8 और 128 GB। इसमें आपको नीचे मिल जाएगा 30 वाट का चार्जर और 90 सेंटीमीटर का USB केबल। यूएसबी केबल काफ़ी छोटा दे रखा है लेकिन ठीक है, इतना काम चलता है। और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा पिन। तो अब हम चलते हैं इनके सेट पे आते हैं। सेट काफ़ी मतलब कि इन्होंने प्रीमियम लुक दे रखा है इसमें। इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगा फ्रंट में 16+8 मेगापिक्सल का कैमरा, और अब 6.6 सेंटीमीटर डिस्प्ले है विथ गोरिल्ला ग्लास 5। बैक साइड में आपको मिल जाएगा कैमरा, जिसका कैमरा का है 64+12+8+2। कैमरा के बारे में हम डिटेल में बाद में लेंगे, अब इनके हम थोड़ा ओवरलुक की बात कर लेते हैं। ओवरलुक इनका दो, एक तरफ से दो टाइप में आते हैं, एक रियलमी सुपर एक्स जूम आता है और रियलमी X3। तो इसमें वेरिएशन क्या है, रियलमी सुपर जूम X3 में आपको 60x तक जूम मिल जाएगा, जो कि आपको रियलमी X3 में जितना 20x तक जूम मिलेगा। और इनका HD रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा 2400x10 HD फुल HD प्लस। इसमें डिस्प्ले आपको IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलने वाला। तो लेकिन अगर हमने कंपेयर किया था वहाँ पे स्टोर पे, तो Realme 7 Pro से कंपेयर किया तो उसमें उन्होंने AMOLED डिस्प्ले दे रखा था। तो हमने देखा कि हाँ, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा डल था लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसके। लेकिन हमने प्रोसेसिंग की बात की तो इसका तो कोई बीट नहीं, क्योंकि इसका स्नैपड्रैगन 855 प्लस दे रखा है इन्होंने। इनके ओवर लुक की बात कर लिया जाए तो इनको इसके आपके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा वॉल्यूम अप डाउन बटन, और राइट साइड में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर विथ पावर ऑन ऑफ बटन, और इनके अपर साइड में आपको मिल जाएगा 1 स्मार्ट नॉइस कंसिलेशन माइक, सेकेंडरी माइक,
और ग्लो आपको सी टाइप मिल जाएगा और प्राइमरी माइक मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको स्पीकर मिल जाएगा। स्पीकर इसमें सपोर्ट करता है डॉल्बी एटम्स। बैक साइड में इनको आपका प्लास्टिक का कवरिंग मिल जाएगा, ये ग्लास नहीं कह सकते इसको, लेकिन इनका जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा है। इन्होंने ग्लेशियर ब्लू इसका नाम रखा है, इसमें साइन अच्छा लगता है, इसको देखने में लगता है प्रीमियम लुक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ें। और एक चीज़ आप इसमें सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं वो है ऑडियो जैक। ऑडियो जैक इसमें नहीं दे रखा है, और अगर आप MI यूज़र हैं जैसा कि मैं MI यूज़र था, तो हमें इसमें IR ब्लास्टर नहीं मिला, जो कि रियलमी के सेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा दो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। अब हम इसकी ओपनिंग की बात करें तो इसका स्टार्टअप बहुत ही तेज हुआ, मतलब कि नॉर्मल जो होते हैं सेट से उससे काफ़ी तेज उसका स्टार्टअप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस दे रखा है, तो बहुत ही तेज नेक्स्ट नेट हमने प्रोसेस किया, तुरंत कंप्लीट करके इन्होंने सामने रख रख दिया। अब डिटेल में बात करते हैं इनके कैमरे की। कैमरा इनका 64 मेगापिक्सल, देन 16 मेगापिक्सल टेली लेंस, इसके बाद 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, और सबसे नीचे 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, जो कि हमें इतना इफेक्टिव नहीं लगा, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और इन्हें बैक साइड में इन्होंने वीडियो के लिए 4K रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट दे रखा है, उसके साथ साथ सुपर UIS स्टेबलाइजर दे रखा है। ये काफ़ी अच्छा हमें लगा इसमें चीज़, स्टेबलाइजेशन इसमें काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बैक में जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, वो सोनी का ना होकर सैमसंग का लगा रखा है इन्होंने। और फ्रंट की बात किया जाए, फ्रंट में कैमरा इन्होंने दे रखा है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल सोनी IMX इन्होंने लगा रखा है, और इन्होंने 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस लगा रखा है। तो चलिए हम एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ पूरा डिटेल लेते हैं इनके कैमरे के बारे में। अब इसमें हाईलाइट की बात कर लेते हैं। इस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 और इसका 2.96 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर इसका, और इसमें प्रोसेसर में जो चिप इन्होंने देखा 7nm दे रखा है। तो अगर हम एक लिस्ट देखें, लिस्ट में देखा जाए तो नंबर 7वें पे आते हैं।
जो अच्छा चीज़ दे रखा है, इन्होंने रिफ्रेश रेट दे रखा है वो 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और इसमें दो ही वेरिएंट दे रखा है, 120 हर्ट्ज और 6 हर्ट्ज, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं एडजस्ट करना है आप ऑटोमेटिक पे डाल देंगे तो भी अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं देने वाला, क्योंकि 120 हर्ट्ज प्लस 855 स्नैपड्रैगन दे रखा है। तो इसका एक बार पबजी टेस्ट किया हमने, तो इसमें हमने पबजी खेला पूरे टाइम में, हमको बिल्कुल भी कहीं भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला, कहीं भी लैग नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं मिली इसमें। और सही बताएं तो हम इतने टाइम से रेडमी नोट 3 में खेल रहे थे, तो हमें लगा कि हमारी गोलियां कभी निकलती नहीं, लेकिन इसमें यह समझ में आया कि हर चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी है इसमें। अब बात कर लें इनकी चार्जिंग की, चार्जिंग थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। इन्होंने चार्जिंग दे रखा है 4200 mAh का, तो इनमें फास्ट चार्जिंग दे रखा है जिसका सपोर्ट डार्ट द्वारा दिया गया है। मैंने जो टेस्ट किया, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया इसको 1 घंटे 8 मिनट लगा स्विच ऑफ करके 0 से 100% चार्ज होने में। और इनका अपने हिसाब क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन मैंने अपना एक्सपेरिमेंटल चार्ज किया, अगर सेट ऑन करके चार्ज किए तो 0 से 100% जो होता है उसके बाद 100% पे 5 मिनट ही और लेते हैं चार्ज फुल करने में। और एक और हमको प्रॉब्लम दिखाई पड़ी कि हमने सोचा ला इसका चार्जिंग थोड़ा रोकें, मतलब कि अगर आप रात में रख देंगे चार्ज करके सुबह तक 5% ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने इसका रिफ्रेश रेट कम किया, सब कुछ कम किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका 5% डाउन होना है तो होना, स्क्रीन टाइम 6 आवर प्रॉपरली वर्क करता है। तो अगर इनकी बैटरी थोड़ा इम्प्रूव हो जाती, समझ लीजिए 5000 हो जाती, तो इसमें थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करता। इसके साथ आपको कवर मिल जाएगा, कवर अगर बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, लेकिन कवर इसका काफ़ी अच्छा है, हर तरफ से कवर किया रहता है, तो आपका मोबाइल कहीं डैमेज नहीं होने वाला इससे। इसके साथ साथ इन्होंने फिल्म लगा रखा है कि आपका स्क्रीन से बचाए, ना कि आपके डैमेज होने से बचाए। और ऐप ओपनिंग की बात करें बहुत ही अच्छा खुल जाता है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं फील होगा। जब आप सबसे पहले इसको खोलेंगे तो एक अपडेट आएगा, अपडेट इसको आप अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अपडेट में एक नया वीडियो एडिटर ऐड कर दिया है, जो कि आपके रेगुलर यूज में काम आ सकता है। अब प्रॉब्लम्स बात कर लें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको लगा बैटरी थोड़ी बड़ी कर देनी चाहिए थी, इतना बैटरी काम नहीं कर रहा है इतने हाई प्रोसेसर और इतने रिफ्रेश रेट में। और दूसरा चीज़ है हेडफोन जैक, जो कि इसमें नहीं मिला, तो इसके लिए आप एक नया कनेक्टर खरीद सकते हैं। वैसे तो सी टाइप के इसमें हेडफोन भी आते हैं, लेकिन हम तो यही प्रेफर करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ठीक है, सी टाइप 2-3 mm, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा हेडफोन सही रहे, हमें हेडफोन ख़राब हो सकता है, तो आप रेगुलर यूज में इसको ला सकते हैं, तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ्रंट कैमरा इसका मोर ब्राइट है, मतलब कि नाइट यूज में, डे यूज में अगर आप एंटी आप लाइट खड़े हैं तो काफ़ी इसमें ब्राइटनेस आपको दिखनी पड़ेगी, तो आपको कैमरा काफ़ी ऊपर करना पड़ेगा। तो बाकी अगर ओवरऑल देखें, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी तेज़ है, रिस्पॉन्सिव रेट आप फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छा है, बहुत तेज़ इसमें प्रॉपरली वर्क करता है। अगर आपका मेन फोकस गेमिंग पे है और कैमरे पे है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैटरी ज़्यादा इशू है तो आप इसको प्रीफर ना करें, कुछ और सेट इसका प्रीफर करें, क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी लो है इस करंट टाइम में, क्योंकि इस करंट टाइम में सब 5000-6000 बैटरी दे रहे हैं, इन्होंने केवल 4200 दे रखा है, मतलब 2 साल ओल्ड का चीज़ें इन्होंने इसमें डाल रखा है एक चीज़ें। तो बस आज के इतना ही, थैंक यू।